हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अभी यहाँ पर प्रीति और मेरी दीदी केक को सबके लिए बांट रही है प्लेट में, जैसे कि देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोदी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी ही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं शाम में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग में तो मैं सुबह के टाइम में, हाँ मतलब जब बैंक खुला उसके बाद तो घर का सारा काम करके फिर मैं मेरी बड़ी वाली दीदी के साथ बैंक गई थी, कुछ काम था। फिर अभी बहुत लेट से आई हूँ क्योंकि मैं दीदी घर गई थी बैंक से आने के बाद, वहाँ मैं बहुत देरी तक बैठी। दीदी रुमाल सिलाई कर रही थी तो मैं उसमें रुमाल कुछ कुछ सिलाई कंप्लीट कर चुकी थी किनारे, तो उसमें मैं फूल छाप रही थी, लेकिन ब्लॉग वगैरह शुरू ही नहीं की थी तो शूट नहीं की। और कोई आया क्या? कम है तो आज मेरे घर कौन आया है और दिखा दें। कम है ऐसे, कम हेयर देख सकते हैं। आशीष आया है मेरे घर, और आज क्या है आशीष? तुम्हारा बर्थडे। तुम्हारा बर्थडे, बाहर नहीं जाओ, जाओ गेट क्लोज करो, करो क्लोज। अरे बाहर मच्छर काट रहा है, दरवाजा बंद करो, जाओ तब खेलो, बंद करो तब, उसको बाद में पिएंगे तो रख दो, बाद में पीना, बंद करो मच्छर घुस रहा है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, आज है 16 अक्टूबर और आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा देरी से आई थिंक आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 17 अक्टूबर को ये ब्लॉग आ जाए, क्योंकि आज तो सूट ही कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चिकन बनाने के लिए, मेरे घर में कुछ दोस्तों को बुलाई हूँ और आशीष की मम्मी लोग भी शायद आएगी, अभी तो बनाने जा रही हूँ। 6 बज चुका है और मेरे दोस्तों को मैं समय दी हूँ, प्रीति लोग भी आएगी, संदीप लोग आएंगे, तो उन लोग को मैं 7:30 बजे का समय दी हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं की हूँ, तो मैं जाती हूँ कुछ कुछ करती हूँ, जल्दी से बाल वगैरह समेट लेती हूँ और पकाने जा रही हूँ। तो आप लोग आज के ब्लॉगिंग में कंटिन्यू बने रहिए। पहली बार मैं जिंदगी में केक काटूंगी अपने जन्मदिन का, नहीं तो मैं कभी केक नहीं काटती हूँ, ये मेरा पहला जन्मदिन ऐसा होगा जब मैं केक काटूंगी, क्योंकि इससे पहले कभी ही नहीं काटी हूँ मैं केक। बस लोग मुझे विश करते हैं और हम लोग मतलब कहीं घूमने जाते हैं और मेरे जन्मदिन पर मैं कहीं घूमने ऐसे जाते हैं और मेरे तरफ से खर्चा होता है और खूब इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं जी भर के, घर नहीं लेके आते हैं लेकिन जी भर के खाते हैं, वो सब मेरा ये है। लेकिन आज ऐसा होगा कि जेवियर बोल रहे थे कि छोटा सा तो केक तुम काट ही सकती हो, ऐसा वो बोले, तो फिर मैं उसका बात रखने के लिए मैं बोली चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं तो काट दूंगी केक, नहीं तो मुझे केक काटना नहीं पसंद है और मैं नहीं काटती हूँ केक। अभी जा रही हूँ गाइस चिकन लेके आई हूँ, वो चिकन को धोने के लिए, देख सकते हैं गाइस चिकन में चढ़ाई हूँ एक कढ़ाई और इसको ना चलाने ही नहीं बन रहा है, पर मैं ऐसे ज़्यादा नॉनवेज नहीं बनाती हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, आई होप तो कि अच्छा बने। तो ये देख सकते हैं मुझे चलाने बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, चलाने क्या बन नहीं रहा है, आएगा क्या पनीर मेरे लिए और जीजा जी के लिए, क्योंकि हम लोग चिकन नहीं खाते हैं। और इधर देख सकते हैं चिकन बन चुका है, पता नहीं गाइस कैसे बना है, मुझे ना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता नॉनवेज, मैं कोशिश करती हूँ पर पता नहीं कैसे बनाया, अजीब से स्मेल आ रहा है, आई होप सो अच्छा बनाओ। यह देख सकते हैं मेरे घर में बच्चे लोग आ चुके हैं और यहाँ ये लोग तो फोन में लगे हुए हैं, इधर है जेवियर और इधर है सुहाना और इधर जीजा जी तो आके लेट गए हैं, फोन में लगे रहती है, रील्स की दीवानी, इंस्टाग्राम की रानी। सुहाना तुम क्या करी? प्रीति प्रीति को किचन का आज कुक बना दिए, बनाओ तो पूरी फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है? हाँ तो देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ तो नहीं बना है, इधर बना है चावल और इसमें है जैसे कि चिकन, कैसा बना है भगवान जाने, इसमें है पनीर और इसमें है दाल, बस इतना ही है। हम तैयार होने जा रहे हैं ना? अरे गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ जन्मदिन का केक काटने के लिए और ज्यादा तो तैयार नहीं हुई हूँ, मेरे पास बहुत पहले मैं लहंगा खरीद के रखी हुई थी और एक बार भी नहीं पहनी हुई थी, तो यही लहंगा मैं पहन ली हूँ, बाकी आप लोग बैक कैमरा से देखिएगा, मैं बोलूंगी शूट करने के लिए। अभी हम लोग सब जा रहे हैं केक काटने, चलो। अरे जो लोग उठाने में नहीं पा रहे तो मैं आई हूँ ये लोग के घर पे रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरा घर ना पूरा बुक हो गया है, किचन रूम भी और अंदर वाला रूम भी। किचन रूम में देख ही थे आप लोग, दीदी और प्रीति पूड़ी बना रही है और अंदर वाला रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अभी मेरे दोस्त लोग भी आ चुके हैं, तो जाते हैं केक काटने। और बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं हुई हूँ मैं, पर कोई नहीं, जैसे भी तैयार हुई हूँ तो बने रहिएगा सब लोग।
और इस रात्रि घड़ी में हम लोग जन्म अवसर के उपलक्ष्य में हम लोग सहभागी हुए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान है, अनुग्रहकारी, दया और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह से लेके पिता परमेश्वर शाम तक पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक कामों से पिता परमेश्वर आपने सहायता और मदद को दिए। कैंडल खरीद के लेके बोले थे क्या? नहीं बोले थे ना? तीन तीन बार दुकान के लेके आए थे। अच्छा तुम भी काटो, सबको ही काटे हैं। चलो 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 काटे हम लोग। चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। विश भी नहीं कर रहा है, जस्मीन टू मी। अरे कैसे काट रहे हो लेकिन? चलो आशीष, बात कोई आवाज नहीं है, बोलो रे मौसी। तो विश तो बोलो हैप्पी बर्थडे मौसी। क्या यार बोल रहे हो? कोई आपका हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया है? बस असली चाकूला खींचेगी वाला चाकू को तभी जाएगा। लो कितना ही कर रहे हैं, वो ये नहीं रहा कर दीजिए। यहाँ पर मेरी दीदी और प्रीति लगी हुई है केक मिक्सचर बिस्किट टॉफी वगैरह बांटने में। जैसे कि देख सकते हैं काफी सारा प्लेट लगा हुआ है, दोनों काफी मेहनत कर रही है। मैं तो हाथ भी नहीं लगाई थी, केक सिर्फ काटी थी। उसके बाद गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए फिर से दीदी लोग का घर, और इस घर में कोई भी नहीं है, दीदी लोग मेरे ही रूम पे है। और बहुत ये है लहंगा हेवी है, इसके वजह से खोलना पड़ रहा है क्योंकि घर में कुछ काम नहीं होगा। अभी मुझे खाना भी देना है सबों को, तो इसके लिए मैं चेंज कर लेती हूँ। और कोई भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मतलब उन लोग इतना शर्म आ रहा था ना कि हैप्पी बर्थडे भी कोई मुझे विश ही नहीं किया, इतना हंसी आ रहा था ना, कहना ही नहीं। पर कोई नहीं, जैसे भी गया अच्छा ही गया। और पहली बार तो जेबी ना कैंडल लाना भूल गए, केक तो लेके आए, चाकू भी लेके आए, कैंडल तो था ही नहीं, इतना हंसी आ रहा था। कोई नेक्स्ट टाइम से, अब इस बार से मेरा फर्स्ट केक काटना है, तो अगले साल जब मेरा बर्थडे आएगा तब से मैं केक काटूंगी अच्छे से। इस बार का तो उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, और एक दिन में जो भी हुआ एक दिन में डिसाइड भी किए कि करना है ये चीज़, इसकी वजह से। और क्या कहती हूँ, हाँ केक का प्लान तो जेबियर का था और वही कैंडल ही नहीं लाया ऐसा हो, पर कोई नहीं, जैसे भी गया अच्छा ही गया। अभी खाना पीना करते हैं, और फिर कभी ये लहंगा में मैं ज़रूर फोटोशूट करूँगी, रील्स वगैरह बनाऊँगी। अभी फिलहाल तो मुझे खोलना ही पड़ेगा, और मैंने अंदर में जीन्स पहनी हुई हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा खोलने में। जल्दी से खोलती हूँ और फिर जाती हूँ। अभी पूरा रूम पे भरे हुए हैं मेहमान सब। तो ऐसे आप लोग बोलते हैं मेरा घर में बहुत सारा प्लेट है, अकेले रहती हूँ। देखिए आज मेरा जन्मदिन है और मेरा घर में इतने लोग आए हैं, प्लेट नहीं हो रहा है, तो मैं वो छोटू लोग के घर में प्लेट लेने आई हूँ चोर जैसा। यहाँ दीदी धो के रखी है, इसमें से मैं ले जाती हूँ, स्टील वाला ले जाऊंगी, कासा वाला इन लोग का घर में है, स्टील वाला ले जाती हूँ। कुछ है लेकिन होंगे नहीं हम लोग, इसके लिए ले जा रही हूँ। गाइस मैं दीदी घर से कितना सारा प्लेट ले जा रही हूँ, देख सकते हैं इधर गिरे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट ले जा रही हूँ, और ये 3 गिलास ले जा रही हूँ, जा रही हूँ गाइस, कितना भारी है। तो गाइस किचन वाला रूम में बच्चे लोग खा रहे थे, इधर है सुहाना आशीष, और अंदर वाला रूम में मेरे दोस्त लोग खा रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही मैं कैमरा ऑन की, संदीप ने पूरी से अपना फेस छुपा रहा था, फिर मैं बोली कि खाओ अच्छे से। और इधर है जेबियर जी। गाइस अभी हम लोग कटर रहे हैं, अभी हम लोग खा रहे हैं, इतना ज़्यादा मैं तो चावल खाती हूँ, लोग तो इतना इतना खाना खा रहे हैं बताइए। और इधर खा रही प्रीति, तुम चिकन कहाँ नहीं खा रही है? हाँ सही बात है। गाइस हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं और अभी सोने के लिए जा रहे हैं, और फिर हम लोग का केक थोड़ा सा बाकी है, तो प्रीति को बोल रहे खाने, वो खा ही नहीं रही है, सुबह तक तो खराब हो जाएगा क्योंकि फ्रिज तो मेरे घर में है नहीं। हमको कोई बर्थडे जब हुआ तो कोई हमको विश क्यों नहीं किया? कोई हैप्पी बर्थडे टू
किया ही नहीं, सब पता नहीं है, सब गुमसुम है। कैंडल नहीं आया था, हमको लगता है इसकी वजह से कोई बोला है। ऐसा बर्थडे तो हम जिंदगी में पहली बार होना है। पर कोई नहीं, सब हमको मैसेज में तो सारे कोई विश किए थे, लेकिन जब केक काट रही थी तो किसी ने जीजा जी सुनाई नहीं दिया और तो जोर से बोला थे कैसे बोलते ये भी बता चुप रहे हैप्पी बर्थडे। मेरा वीडियो सब देखी तो हंसेंगे कैसे बर्थडे मनाए। कोई नहीं, मेरा केक में गांव की गोरी लिखा हुआ था, वो भी जो वीडियो बना रहा था वो भी फोकस ही नहीं किया, कोई खींचा ही नहीं मेरा केक का फोटो। कैंडल नहीं आया इसकी वजह से कोई मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू ये भी नहीं कहे। जीजा अकेले बोल रहे थे, फिर लास्ट में वो चुप हो गए, हमको हंसी भी आ रहा था। ऐसा बर्थडे कोई नहीं, अगले साल अच्छे से मनाएंगे। बहुत केक खाए आज रात, प्रीति यहीं स्टे कर रही है और बच्चे लोग तो सो गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं सोने। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पर ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। और बर्थडे मेरा कैसा लगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको तो बहुत फनी लगा। हंसी आ रही, तो कैंडल भी छूट गया, ऊपर से कोई वो